दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में जानते हैं कि टाइटैनिक के साथ आखिर हुआ क्या था। रॉयल मेल शिप यानी RMS टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात तक एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को यह जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से गिना जाता है। इस हादसे में करीब सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ऐसे में ये जानते हैं कि टाइटैनिक के आखिरी क्षणों में उसके साथ क्या हुआ। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान हुआ था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाज़ों से टक्कर लेनी थी और इस बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधा दी थी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हार्लैंड एंड वूल शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के समय में $192 मिलियन, जो कि लगभग 14 अरब रुपये बैठता है। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज अपने समय से आगे की सोच कर तैयार किया गया था। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशाल का जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसे ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। यात्रा के केवल 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात को 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हुई, जो कि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि शिप का अलार्म बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा था। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बचाई जा सकी, जबकि 1500 लोगों की मौत हो गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस तरह के वीडियोज़ आपको देखने हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।